वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में मतभेद की खबर है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है। श्रीनगर में सलमान खुर्शीद भी बैठक में शामिल होंगे। सीट बंटवारे और एनसी के घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं पर मतभेद की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंच रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होने हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। समीर, क्या मतभेद निकल करके सामने आ रही है, क्या किन बिंदुओं पर आपत्ति है? देखिए, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, उसमें जो प्रेसिडेंट हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट जो दो हैं और सीनियर लीडर हैं, चाहे वो जम्मू से बिलोंग करते हैं या कश्मीर से, उनको समन किया गया। उनको कहा गया कि फौरन वो श्रीनगर के हेडक्वार्टर पहुंचे। श्रीनगर में जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पे थोड़ी देर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो वहां पहुंच भी गए हैं, कुछ आने वाले हैं। मीटिंग इसलिए रखी गई क्योंकि एक बड़ा डेडलॉक सीट शेयरिंग पर बना हुआ है। कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस है वो तकरीबन 10 सीटें मांग रही है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, वो 4 से ज्यादा सीटें उनको देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की डिमांड है 10 सीटें, जिसमें श्रीनगर की 2 सीटें हजरतबल और हब्बा कदल जैसी सीटें हैं जो वो मांग रही है। समीर, अभी मीटिंग होने वाली है, उस पर भी नजर है। फिलहाल शुक्रिया आपका। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर सीएम योगी ने हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया है, ये बोला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में जो गठबंधन की खबरें हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर के हालांकि कुछ बिंदुओं पर अभी सहमति नहीं बनी है, सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने हमला बोला है कांग्रेस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है।